जी, फर्स्ट वाला देखेंगे 26 का। अ चेक फॉर ₹10,000 वॉज रिसीव फ्रॉम रंजन। एक चेक जो है 10,000 रुपये का रंजन से मिला था। 200 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, और उसको हमने डिस्काउंट दिया था 200 रुपये का। अगर इसकी करेक्ट एंट्री की बात करी जाए तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक आया था, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि आपने 200 का डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रंजन, ये करेक्ट एंट्री होती। फिर आगे क्वेश्चन कहते हैं द चेक वॉज नॉट ऑनर्ड। नॉट ऑनर्ड का मतलब ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हुआ तो ये जो एंट्री आपने करेक्ट वाली करी थी ना, इसी को रिवर्स करना था कैंसिल में। भाई कैंसिल में क्या होता कि रंजन को डेबिट कर देना था, बैंक को क्रेडिट करना था, और डिस्काउंट जो अलाउड डेबिट में था उसको भी क्या करना था, क्रेडिट करना था। समझ में आई बात? आपको करेक्ट एंट्री समझ में आया कि नहीं आया पहले? फिर आते हैं, इन्होंने गलती से क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये इनसे एरर हो गया, मैं आपको इसका दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप। आपके सामने ना करेक्ट एंट्री रखता हूँ, इधर देखना पहले अच्छे से, फिर समझ पाएंगे आप इसको। और वो एंट्री ये है कि जब आपको चेक मिला, चेक रिसीव हुआ, ध्यान से समझेंगे, इस प्रोसेस से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। चेक जब आपके पास रिसीव्ड हुआ तब क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। चेक रिसीव हुआ तो बेटा आपके पास एक एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया था तो आपके पास जर्नल एंट्री होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में होना चाहिए था, किससे आपने ये चेक लिया था बच्चे, रंजन से, तो रंजन को आपको क्रेडिट करना था। अच्छा जी, जो चेक है वो आपका कितने का था बेटा, 10,000 रुपये का मिला था, 200 रुपये का आपका डिस्काउंट है, टोटल है ये 10,200 का। ये है चेक रिसीव करने की एंट्री। मेरी बात को ध्यान से समझना, किस चीज़ की एंट्री बेटा। क्वेश्चन चेक रिसीव से स्टार्ट नहीं होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो चेक हमें मिला था ना बेटा, वो चेक हो गया है डिसऑनर्ड। क्या हो गया है, वो चेक कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अच्छा कैंसिल हो गया तो ये एंट्री को क्या करना चाहिए था पता है आपको, इस एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए था। वो रिवर्स होके एंट्री क्या हो जाती बेटा, रंजन डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट में है ना, ये क्रेडिट हो जाना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वैल्यू बेटा ये 10,200, ये 10,000 और ये 200। मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है कि जो चेक आपको मिला था वो डिसऑनर हो गया, ये इसकी करेक्ट एंट्री थी। यहाँ से स्टार्ट है, ये इसका बैकग्राउंड था कि जब चेक मिला था तो हमारे लिए ये एंट्री थी, चेक जब कैंसिल हुआ तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एंट्री कर दी रॉन्ग। क्या कर दी भाई, सब कुछ तो ऐसे ही लिखा, अलाउड की जगह बस रिसीव्ड लिख दिया है। बोलो ये क्लियर है आपको, चेक मिलने की एंट्री क्लियर है, चेक कैंसिल होने की भी क्लियर है, ठीक है जी। अब इसने जो क्वेश्चन ने किया है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने रॉन्ग एंट्री क्या करी, उसने रंजन को तो सही जगह लिखा होगा, रंजन डेबिट टू बैंक, सर बैंक भी बिल्कुल ठीक है, बट डिस्काउंट अलाउड की जगह गलती से इसने क्या लिख दिया बेटा, इसने लिख दिया है बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये वैल्यू है 200 रुपये, ये है जी 10,000 रुपये, टोटल है बेटा 10,200 रुपये। बात समझ में आई? अब बताओ ये एंट्री होनी चाहिए थी चेक डिसऑनर की, एक्चुअल में ये एंट्री होनी चाहिए थी, कर ये दी आपने। मुझे एक बात बताइए, सब कुछ सेम है, डेबिट को डेबिट से अगर मैच करोगे तो सेम है या नहीं है, बोलो है जी, तो डेबिट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट में जो बैंक था वो बैंक से क्रेडिट होके मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। गलती क्या दिख रही है बताओ फटाफट, डिस्काउंट रिसीव क्या यहाँ होना चाहिए था, इसे हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड, और रिसीव को ये हटाने के लिए, क्रेडिट को हटाने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। समझ में आ गई बात? इससे हमने तीन एंट्री सीख ली, दो एंट्री तो सीखी ली, पहली चेक मिलने वाली एंट्री क्या होती है, और चेक डिसऑनर वाली एक्चुअल में सही एंट्री क्या होती है। चलिए इसको नोट करिए और रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखाइए आप। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री में डिस्काउंट क्रेडिट में था, उसे हटाने पड़ेगा, ये डेबिट कर देंगे हम लोग,
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 200 और इसकी जगह क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को 200 सर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी क्वेश्चन नंबर 26 का। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले आप। शायद एंट्री आप भूल गए हो डिसऑनर की, तो आपको इससे याद भी आ जाएगा। इसे नोट करने बाद 26 के सेकंड पे आएंगे, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ये कौन सा एरर है बताओ? टू साइडेड है या वन साइडेड है? टू साइडेड है। और ये टू साइडेड एरर एक इनकम है और एक एक्सपेंस का गलती हो रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, सेकेंड एंट्री में क्या है? सेकेंड 2000 पेड एज वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कह रहे मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए हमने वेजेस पे किया था और गलती से हमने जाके कहाँ पे लिख दिया बेटा? वेजेस अकाउंट में लिख दिया। ये गलत है। आप मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं यानी कोई मशीन नया खरीदा है आपने, यूज़ करने से पहले का एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मशीन के नाम से लिखना चाहिए था और हमने जाके उसको वेजेस के नाम से लिख रहे हैं। इसी टाइप के एरर्स को हम लोग प्रिंसिपल एरर भी कहते हैं बेटा। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी बताइए? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। चलिए लिख लीजिए। इसमें करेक्ट रॉन्ग लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे? तो इसमें जो एंट्री बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, इन्होंने मशीनरी की जगह वेजेस लिख दिया था, तो वेजेस को हमने हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया और डेबिट में मशीनरी ले आई। कितनी वैल्यू है बच्चे? 2000। आइए सर थर्ड पे आ जाइए। 5000। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5000 रुपये राकेश से मिला है, क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। राकेश के अकाउंट को हमने क्रेडिट भी किया है, तो फिर सर गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि अमाउंट हैज बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स अर्लियर। कह रहे ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ था, समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनो फिर से भाई। राकेश ने कितने पैसे दिए हमें बताओ तो जरा, किस बात की दिए बेटा? ये बात ये थी कि इसके ऊपर मेरे पहले से पैसे बाकी थे, हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था तो इसने दी। आपको पता है कोई भी बैड डेट्स का अमाउंट रिकवर होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, समझे? और इन इसकी जगह पे मैंने गलती से लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपये राकेश से मिला, मैंने राकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि ये अमाउंट वो वाला है जिसको हमने बैड डेट्स किया था पहले कभी, पहले कभी हमने इसको बैड डेट्स मान लिया था, ये वो अमाउंट है। मैं इसकी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री आपको करके दिखाता हूँ बेटा, ज़रा देखना। सर इसकी जो है ना करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, ध्यान से। करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री थी बच्चे। अमाउंट बोलो तो कितना है? और हमने गलती से क्या लिख दिया है सर? हमने गलती क्या करी है? हमने सब कुछ सही किया, कैश अकाउंट को भी डेबिट ही किया है, साथ में राकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन ने ये बोला कि हमने ये गलती कर दी है सर। अब आप मुझे बताइए इसको रेक्टिफाई करना हो अगर, तो आपका गलती क्या हुआ है? आपको राकेश के नाम से नहीं लिखना था, आपने राकेश लिख दिया क्रेडिट में, तो राकेश को डेबिट करना पड़ेगा। इसकी जगह पे क्या चाहिए होगा आपको बताइए? एंट्री लिखेंगे सर राकेश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है बेटा? 5000। आगे बात समझ में? कितने पॉइंट हो गए? थर्ड हो गया, लास्ट रह गया जी इसका 4, रिपेयर वाला। फटाफट आ जाए। फोर्थ है सर रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी। रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी, एक मशीन रिपेयर करवाया होगा बेटा उसका, 1000 रुपये था, 100 रुपये उसके बिल का था, लेकिन हमने गलती से कितना लिख दिया जाके? 1000 लिख दिया।
तो ये गलती जो हुई है किस में हुई आपको ये समझना है, रिकॉर्डेड एरर है ये, रिकॉर्डेड एरर समझ गए, यानी डेबिट में भी गलत है और क्रेडिट में भी गलत है। इसके करेक्ट एंट्री क्या होती है, प्रिंट करोगे तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी बनेगी एंट्री बच्चे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बेटे करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी 1000 रुपये। बताइए बच्चा बर्थडे, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग में इसने लिखा तो यही है रिपेयर्स अकाउंट ही लिखा है और इसे कैश ही लिखा है बेटा, लेकिन ये कितना लिख दिया है 100 रुपये। अब मेरे को रेक्टिफाई करने का है, ठीक है सर, रेक्टिफाई में मेरे को एंट्री तो सेम ही रखनी है ना, क्योंकि डेबिट में बढ़ाना है सर, क्या एंट्री बनेगी सर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कितना लिख दूं 900, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900। ये जो हम लोग राइट और रॉन्ग लिखते हैं इसको आप रफ में कर सकते हैं और डायरेक्टली आप रेक्टिफाइंग एंट्री को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, ठीक है जी, समझ में आ गई यहाँ तक बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब।